नंबर जो हमारे पास को गिवन है 15870 HCF गिवन है 23 LCM हमने निकालना है। यहाँ से हम 23 को 158 के साथ डिवीजन करेंगे तो हमारे पास LCM की वैल्यू जो है मिलेगी। तो इसकी कटिंग करेंगे हम 23 के साथ इसको, तो 23 से कट करने पर हमारे पास ये पहले 6 के साथ जाता है, फिर 9 के साथ और लास्ट 0 आ जाता है। तो यहाँ से हमारा LCM जो है वो आता है 690। नाउ इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, तो हम नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा फाइंड द LCM इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। तो उन्होंने कहा कि हमने LCM फाइंड करना है जो गिवन नंबर्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक नंबर जो है वो दूसरे का फैक्टर है। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं तो हम एक पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, थर्ड पार्ट है हमारे पास 1575। क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड पार्ट 1575, हमने LCM फाइंड करना है तो हम 15 और 75 का कंबाइन लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। LCM फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, देन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ से देखिए हमारे पास LCM क्या आ जाता है, 3 × 5 × 5, तो यहाँ से हमारे पास नंबर आता है 75। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से उन्होंने बताया कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर था 15, वो हमारे पास फैक्टर है 75 का। 15 के साथ 75 जो है वो डायरेक्टली डिविजिबल हो जाता है, इसलिए इस वजह से हमें यहाँ से पता चला कि 15 जो है वो फैक्टर है सेकंड नंबर 75 का। तो इन दोनों का हमने LCM निकाला, तो LCM निकालने के बाद हमारे पास देखिए जो इसका बड़ा नंबर है 75, वही इसका LCM आ जाता है। दोनों का निकालने के बाद जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा वही हमारे पास इसका LCM आएगा। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3H सॉल्व करनी है। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 3I। एक्सरसाइज 3 ये हमारे पास है प्रॉब्लम सम्स बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम सम है जो HCF और LCM के ऊपर बेस्ड हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में जब भी हमारे पास मैक्सिमम टर्म निकालने के लिए दी हो या हमें लॉन्गेस्ट चीज़ निकालने के लिए दी हो, दैट मीन्स कि हमने इस क्वेश्चन में HCF सॉल्व करना है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं HCF वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमारे पास गिवन है कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टैंकर। दो टैंकर है जिसमें हमारे पास उसकी कैपेसिटी दी हुई है, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टैंकर। फर्स्ट टैंकर की कैपेसिटी है 1000 लीटर। इसी तरह से कैपेसिटी ऑफ सेकंड टैंकर वो हमारे पास है 760 लीटर। तो हमें बोला है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालने के लिए, तो हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर जो है वो हमारे पास HCF आएगा। तो इसमें हमने निकालना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर जो कि हमारे पास आएगा HCF ऑफ 1000 × 670। सबसे पहले हम 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे बाय 2, 500 से जाता है, देन 2 जो है 500 से जब हम करेंगे तो वो 250 से मल्टीप्लाई करने पर 500 आता है, अगेन बाय 2 125, 2 ज़ा 250, देन लास्ट में 5 है तो इसको कैंसिल करेंगे 5 के साथ, 25, 5 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह से हमने 760 की निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल बाय 2,